चार अटेम्प्ट मिले थे मुझे, मतलब चार अटेम्प्ट थे मेरे पास जब मैंने ट्वेल्थ पास किया था, तो चार में से एक मेरा खराब हो गया था। खराब क्यों हो गया था वो बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बहुत बारीकी से फॉर्म फिल कीजिए। मेरे से फॉर्म में गलती हो गई थी और मेरा वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया था। बहुत रोया था मैं जब पहली बार फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट, बहुत जब ये मेरी तैयारी थी, ठीक है बताता हूँ इसमें कैसे कैसे हुआ था। चार अटेम्प्ट मुझे मिले थे इसमें, एक मेरा फॉर्म की वजह से खराब हो गया था, फिर मुझे तीन मिले, मेरे अंदर इतना पागलपन आ चुका था, इतना गुस्सा आ चुका था कि मैंने ये सोच लिया था जो भी होगा आर पार की लड़ाई कर देंगे। तो जब ये परेशान, क्योंकि मैं पेपर देने जाना था मुझे और मुझे पता चला एडमिट कार्ड जब आए तो मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। फिर मैं यूपीएससी पहुंचा दिल्ली, यूपीएससी दिल्ली में है इसका जो है हेडक्वार्टर, वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बच्चों आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी। गलती की तो वो गलती ऐसी, मतलब अब आप कुछ गलती हो गई ना, तभी तो कहते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो फिर मैं वहां पर दिन भर रोया और उसी दिन जिस दिन मेरा यूपीएससी का पेपर था उसी दिन मर्चेंट नेवी का पेपर था एक, तो मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया हुआ था। मर्चेंट नेवी का फॉर्म भी फिल किया हुआ था उसी दिन मेरा मर्चेंट नेवी का पेपर था। तो मेरे पास बैग में मेरा एडमिट कार्ड मर्चेंट नेवी का भी आया था, लेकिन मुझे देना था नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी एनडीए का पेपर, बट वो मेरा कैंसिल हो चुका था। तो मैं माय मैटरनल अंकल, मेरे जो मामा जी हैं वो मेरे साथ थे, तो आई स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग गया। फिर मैं ऐसे ही वहां पे बैठा रहा, परेशान हो गया, क्योंकि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो और वो चीज वहां पर खराब हो जाए तो फिर आप टूट जाते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू एक काम कर, ये वाला पेपर दे ले। तो मैंने कहा देखो मुझे ज्वाइन तो करना नहीं है इसको, ज्वाइन तो मुझे इसे करना नहीं है, तो मैं देख भी क्या करूंगा पेपर को, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं था, मूड भी नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो फिर उन्होंने बहुत ज्यादा किया, फिर घर से फोन करवाया, माता जी ने बोला, सभी ने बोला कि नहीं तू नालायक है, निकम्मा है। और फिर वही चीज, तुम्हें पता है घर वाले तो गालियां ही देते हैं कि तुझे फॉर्म ढंग से नहीं भर सकता था, कि जा पेपर दे के आ। तो बस फिर मैंने सोचा कि यार चल दे देते हैं, जब इतना ज्यादा हो गया। तो मैं वहीं पर उसी समय फिर मैं वहां पे गया भागते दौड़ते, तो मुझे दिल्ली में मेरा सेंटर, दिल्ली से बात ये थी कि सेंटर उसका भी दिल्ली में पड़ा था मर्चेंट नेवी का भी। तो फिर मैं वहां पर चला गया और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, और वो मर्चेंट नेवी का पेपर था। लोग मर्चेंट नेवी को हवा बना के रखते हैं, ये वो, मैंने कोई मर्चेंट नेवी के लिए कुछ नहीं किया हुआ था, मेरी खुद की तैयारी थी जो एनडीए के लिए मेरा प्रिपरेशन था। मैं वहां पे गया और मुश्किल से मुझे वहां पर मुश्किल से 20-25 मिनट में मैंने पूरा पेपर खत्म कर दिया था, मुश्किल से 20-25 मिनट। मैं तो क्वेश्चन देख रहा था और टिक फटाफट आंसर टिक ऐसे लग रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता था। और बस, और कुछ समय बाद उसका मर्चेंट नेवी का रिजल्ट आया। अब दिक्कत ये हो गई, मर्चेंट नेवी का जैसे रिजल्ट आया तो मेरा मर्चेंट नेवी का पेपर क्लियर हो गया, और उस हादसे में मैं फंस गया, क्योंकि मुझे तो ज्वाइन करना था एनडीए, मुझे निकालना था नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि सपना था केवल वो एनडीए वाली ट्रेन, उसको पकड़ना मेरा ड्रीम था, जिसके लिए मैं दिन रात पागल था। लेकिन गलती से पेपर निकल गया ये मर्चेंट नेवी वाला। अब घर पे आपको पता है एडमिट कार्ड पहुंचा, तो जैसे ही घर पे एडमिट कार्ड पहुंचा तो अब ये जंग छिड़ चुकी थी। अब जंग किस चीज की, कि घर वाले तो चाहते थे कि नहीं इसमें ज्वाइन करे, और मेरी जंग क्या थी कि नहीं मुझे तो एनडीए ही जाना है। तो ये जंग आपस में हो चुकी थी हमारी। अब बड़ा परेशान था मैं अकेले और वो उधर से। तो फिर उस समय पर मेरे सपोर्ट में कौन उतरा, पूरी फैमिली में से मेरे सपोर्ट में उतरी मेरी माता जी, और माता जी ने एक बहाना बनाया कुछ, तो फिर मैं वहां पे नहीं गया, मैंने छोड़ दिया। माता जी ने कुछ बहाना बनाया और सारा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले गई वो, और मुझे उस जगह से निकाल लिया, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुझे वहीं पर पहुंचना है। तो फिर माता जी ने घर में सब कुछ जो भी था वो सारा झगड़ा वो सब अपने ऊपर ले लिया। तो माता जी को भी बोले गए उल्टे सीधे शब्द बोले गए, मतलब ये बोला गया कि तुमने बिगाड़ा है, चाहे वो चाचा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, फादर हो, सब दादा दादी सब यही बोलते थे कि नहीं तुमने बिगाड़ रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, और तुम इसे नहीं कुछ करने दोगे, जिंदगी में आगे बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि अगर मैं आज झुक गया इस चीज के ऊपर तो मैं जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। भले ही मर्चेंट नेवी गलत चीज नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा कर पाओ तो यहां क्यों रुकना, क्यों रुकूं मैं यहां पर। मुझे पता है कि अगर मान लो मुझे सोल्जर के रूप में भी जाना है और मुझे लेफ्टिनेंट के रूप में भी जाना है, तो सोल्जर के रूप में भी जाना है, देश सेवा करनी है, तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन जब मेरे अंदर पोटेंशियल है तो मैं तो यहां सर मारूंगा ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब पोटेंशियल है तो यहां टक्कर मारो ना इस चीज में।
तो बस वही चीज जो थी मेरे वहां पर, मेरे अंदर जुनून भरा हुआ था, पागलपन था। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि अगर मैं इस एनडीए ट्रेन में, वही सपने होते हैं देखो, अपने अपने सपने होते हैं, पागलपन होता है किस चीज के लिए, एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है किस चीज से, वो मेरा था उस चीज में। सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, आपको क्या क्या बताऊं, मतलब एक एक दिन की अगर स्टोरी बताऊंगा तो बहुत चीजें घटी हुई हैं, बहुत। और उसके बाद ये फिर ये 3 अटेम्प्ट, फिर एसएसबी जाना, बहुत ही कहानी है। समय मिलेगा कभी आपको बैठ के सुनाएंगे बच्चे कहानी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कहूंगा, और शायद अभी क्या पता मेरी माताजी भी मुझे देख रही हो इस समय पर, वो जानती होंगी क्योंकि माताजी रोजाना देखती हैं वीडियो को, ठीक है, देख रही होती हैं। तो ये सच्चाई है, मैं सच्चाई बोलूंगा इस चीज में कि हाँ, उन्होंने मुझे उस समय सपोर्ट किया था। और जब मैं फिर से इसकी तैयारी करने लगा तो मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं, मेरे जो पेपर हैं, वो जब निकले तो मैं स्क्रीन आउट भी हुआ। पहले अटेम्प्ट में तो मैं 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल, 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल मुझे आज भी याद है, 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल मैं फर्स्ट डे स्क्रीन आउट ही हो गया था। लेकिन जब मेरा रिटर्न निकला तो लोगों के विचार बदल गए मेरे बारे में। लेकिन जब मैं एसएसबी आउट हुआ फिर लोगों के एक बार विचार बदले। जिंदगी बहुत ऊंच नीच से देखी है बेटा मैंने, इसीलिए मैं तुम लोगों को इतना समझाता रहता हूं। और ध्यान रखना, जिस इंसान ने वो दर्द झेला है उस चीज का, हर दिन उससे वो निकला है, वो ही बता सकता है। बाकी भौंकने वालों को, बोलने वाले को कुछ भी बोल देते हैं उठा के, जो मनाया सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बोल देते हैं, ये वो बेकार की बातें, तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। जो उस दर्द से, उस तह से निकला हो, जैसे गन्ने में से रस निकलता है ना, ऐसे 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 निकला हुआ है। एक एक चीज कहां से कैसे होती है वो हर चीज का पता है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है जो बोल रहे हैं जिन्हें कोई पता नहीं है, मतलब नहीं है, तो उनके ऊपर हंसी आती है, क्या करूं इन लोगों का, ऐसा तो बच्चों का सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है वो। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि मैं, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुना के बताऊं कि मैं कोई महान हूं या कुछ ऐसा हूं, नहीं। ये हर एक स्ट्रगल करने वाला, हर एक जुनून वाला ऐसा काम करता है बेटा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपने सपनों के लिए झुकना मत। ऐसे मेरे पास बहुत और भी बहुत मौके ऐसे आए कि जहां मुझे झुकने की, यानी कि मुझे गिव अप करने का टाइम था, मैं गिव अप कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों करना यार गिव अप, जिंदगी एक बार ही तो मिली है, कुछ ऐसा करके जाओ। मैंने क्या कहा था, तुम्हारी हार भी हो तो हार के चर्चे जीतने वाले से ज्यादा होने चाहिए, तो कुछ ऐसा करके जाओ ना फिर। तो बहुत ऐसी चीज है, 2016 जो मैंने सबइंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी थी, उस समय भी बहुत झगड़े हुए मेरे साथ, लेकिन ड्रीम फिर कुछ और ही थे चीजें। तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी गैज, जब भी मैंने नौकरी छोड़ी है तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जो सपना था, जो ड्रीम था, भाई देखो ड्रीम तो एक ही था, कहते ना, दिस वॉज माई लव, दैट वॉज माई लव, तो बस ये मोहब्बत थी भाई, अब वो बस जो भी था। तो मैं आपको ये तो कहना चाह रहा हूं, जॉब के लिए नहीं, मैं जब तैयारी कर रहा था ना तो जॉब के लिए नहीं कर रहा था कि नहीं मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, नहीं, वो पैशन था, वो जुनून था, वो अपने आप से एक लड़ाई थी कि नहीं, जिद है तो नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे पहुंचना है, खड़गवासला जाना है, एनडीए स्पेशल ट्रेन में बैठना है। जुनून है, जिद है, पागलपन है, खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बस दिन रात एक ही बात आती थी, सोना, जो तुम कहते हो ना नींद आती है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। क्यों? एक और चीज जुड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे, मैं अकेला नहीं दोषी था, अब मेरे साथ मेरी माता जी भी जुड़ चुकी थी उस चीज में, और मुझे उन्हें झूठा साबित नहीं करने देना था। उन्होंने मेरी वजह से सबसे लड़ाई की, घर पड़ोसी अब सभी से, आपको पता है सब खिलाफ हो जाते हैं, तो वो भी रोती थी और मैं भी रोता था। रिटर्न निकलते जा रहे हैं, मैं एसएसबी आउट होता जा रहा हूं, कभी स्क्रीन आउट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट, तो ये जो पेन था ना, ये पेन बहुत बुरा चल रहा था, ये दौर ऐसा चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था, और मैं बार बार भगवान से यही चीज पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्या गलती चल रही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे कुछ और ही चीज कराना चाह रहा था। लेकिन मैं आज अफसोस नहीं करता, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मुझे अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मुझे इस बात का पता है कि मैंने उस दौरान 1% की भी कमी नहीं की मेहनत करने में। हाँ, अगर मैं कमी करता तो पूरी उम्र मुझे इस बात का दर्द रहता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है इसीलिए। तो जिंदगी में जब किसी चीज को पाने की कोशिश करो तो
पूरी जान पूरी ताकत लगा दो उस चीज में, क्योंकि अफसोस नहीं रहेगा, और अगर अफसोस रहा तो जिंदगी नरक हो जाएगी, पूरी लाइफ जी नहीं पाओगे आप लोग। तो पूरी ताकत के साथ मेहनत करो उस चीज के साथ, पूरी जान लगा दो उस चीज में, एक भी मौका मत छोड़ देना। तो ये तो जर्नी अभी और खतरनाक है, कब कैसे आउट हुआ, जब मैं वापस आता था आउट होके तो कैसे जा रहे होते तो तब क्या होता था, जब लेकिन आउट होके आ रहे होते थे तो क्या, बहुत बुरा है, मेरे को बहुत कुछ याद आ जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इस चीज को, तुम छोड़ दो बस, बाद में बताऊंगा। कभी मिल के ना, जब पेपर हो जाएगा एनडीए का तो शाम को बैठेंगे आराम से 2-2.5 घंटे की क्लास में, और उस दिन यही बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उठेंगे, तो सर आप सीडीएस के थ्रू जा सकते थे, ओटीए ये फिल कर सकते थे, और आपके और टेरिटोरियल आर्मी कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या कहा, इस जिंदगी में दर्द इतने थे कि बहुत चीजें करनी चाहिए, बहुत चीजें नहीं हो पाई, वो सारी कहानियां छोड़ दो, सुनोगे तो मैंने कहा था रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिंदगी बहुत कुछ घुमाया है, ऐसा नहीं है। अब तुम कहोगे सर सीडीएस क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि सीडीएस ज्वाइन नहीं, सीडीएस को ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सारी बात अभी सुनोगे तो आगे की जर्नी बहुत लंबी है, परेशान हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, इसीलिए अभी के लिए इतना ही मोटिवेशन रखो, आगे फिर आपको बताऊंगा कितने दिन, मैंने कहा आराम से बैठेंगे तो आपके जवाब भी दे पाऊंगा मैं, तब हम इंटरेक्शन करेंगे कि कैसे चीजों को